नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल वॉइस ऑफ इंडिया में। मैं अमरजीत कौर, खबर दिल्ली से। दिल्ली सरकार एक तरफ किसानों के लिए हमदर्दी दिखाती है, दूसरी तरफ बिजली कंपनियों के साथ मिलकर उनकी जेब काटने पर लगी हुई है। यह आरोप लगाया है नरेला से बीजेपी के पूर्व विधायक लीन दमन खत्री ने। बीते दिन नरेला बिजली दफ्तर के बाहर बीजेपी और किसानों ने जमकर प्रदर्शन किया। आरोप है बिजली कंपनियां किसानों के मीटरों को कमर्शियल कर रही हैं, जिससे किसानों का खेती खर्च बढ़ जाएगा। आज जो बिजली किसानों को 2 रुपए यूनिट मिलती है, वो बिजली अब किसानों को 9 रुपए यूनिट मिलेगी। आइए सुनते हैं पूर्व बीजेपी विधायक नील दमन खत्री और प्रदर्शनकारियों को। आज जो भारतीय जनता पार्टी ने ये धरना किया है NDPL के सामने, ये केजरीवाल ने तय किया है कि दिल्ली के किसानों से उनके जो ट्यूबवेल के कनेक्शन हैं उनसे कृषि के दर पर रेट ना लेकर के कमर्शियल रेट चार्ज करेंगे। 1 जुलाई से उन्होंने आदेश पारित कर दिया और नए बिल भी आने शुरू हो गए हैं। कुछ किसानों के बिल आए हैं, जिस किसान का पहले लगभग 3 से 4 हज़ार बिल आता था, उस किसान का 40 हज़ार रुपये का इस महीने बिल आया है। ये इस दिल्ली के किसानों के साथ घोर अन्याय इस सरकार ने किया है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर पश्चिम जिला के अध्यक्ष विनोद सहरावत जी की अध्यक्षता में ये धरना रखा है और इसमें मांग की है जो दिल्ली के अंदर किसानों के लिए बड़ी दर इन्होंने लागू की है उसको तुरंत वापस लें, नहीं तो हम सब जेल जाएं, चाहे चक्का जाम करें, चाहे धरने करें, चाहे प्रदर्शन करें, लेकिन ये तुगलकी फरमान जो केजरीवाल ने जारी किया है उसको जब तक वापस नहीं लेंगे हम इसी प्रकार के धरने और प्रदर्शन इस दिल्ली के किसानों के हितों की रक्षा के लिए कर देंगे। हमने भारतीय जनता पार्टी ने एक संकल्प कर लिया है, एक जब तक केजरीवाल सरकार, दिल्ली सरकार इसके अपने फरमान को वापस नहीं लेगी, भारतीय जनता पार्टी या कार्यकर्ता रोड पे आएगा और प्रदर्शन करेगा। के पानी माफ बिजली आप, केजरीवाल का नारा था और किसान का काम कृषि कार्य को कृषि कार्य ही माना जाए, कमर्शियल एक्टिविटी को काउंट नहीं कर सकते, वरना कमर्शियल एक्टिविटी की इनको सुविधाएं भी दें, चाहे ज़मीन के भाव हो, चाहे किसान के बच्चे के उसका रोजगार का विषय हो। तो ये जो है एक तरह से स्पष्ट रूप से किसानों के साथ अन्याय है और ये किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 3.5 रुपये से 9.5 रुपये प्रति यूनिट करना और किलोवाट के हिसाब से करना, वाटर लेवल नीचे गया है, उसी से किसान त्रस्त है। मेरा नाम रेनू है, मैं रोनी तो ही हाँ, तो असी केजरीवाल के कारण प्रदर्शन कर रहे हैं। केजरीवाल ने बहुत जदों वोटिंग सी तदते बहुत कुछ उन्हें किया, ए करांगा वो करांगा, सिर्फ वादे ही किते, उन्होंने कुछ नहीं किया। उसके सिवा बिजली महंगी, लोगों ने पहले तो दिखा रही था कि मैं पानी दे रहा हूँ फ्री, वाईफाई नहीं दूंगा, ये दूंगा फ्री में, ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन आज जनता नु सब कुछ पता चल चुका, उन्हें कुछ नहीं किया। तो प्लीज़ पंजाब की जी भी जनता वे कृपया करके उन्होंने कोई वोटिंग ना करे, उन्हें कुछ नहीं करना है, जो दिल्ली का हाल है वही पंजाब का करेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली वालों को बिजली के आधे दाम करने जैसे वादों से दिल्ली में चुनाव जीता था, मगर आज दिल्ली की जनता को तो वो फायदा नहीं मिला, मगर किसानों को मिलने वाली सब्सिडी भी वापस लेने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। बीजेपी का आरोप है केजरीवाल और बिजली कंपनियों से पंजाब चुनाव के लिए उगाही कर रहे हैं, इसलिए बिजली कंपनियां अपनी मनमानियां कर रही हैं। यह थी दिल्ली से अमित महाजन के साथ अनिल कुमार की खास रिपोर्ट। आप देखते रहिए हमारा वेब न्यूज चैनल voiceofindia.net।